फ्रेंड्स, तो हमारे घर में मेहमान आए थे, पापा के फ्रेंड्स आए थे, तो उन्होंने मम्मा को बोला कि भाभी जी हमारे लिए देसी स्टाइल में एक लंच की थाली तैयार कर दीजिए। फिर मम्मा सोचने लग पड़ी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मम्मा ने सोचा कि मैं दही भल्ले बनाती हूँ और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। तो मम्मा ने बोला ये झटपट बनने वाली है, तो मैं जल्दी से उनको जल्दी थी जाने के लिए, तो फिर मम्मा ने सोचा कि मैं झटपट से बनने वाली ये रेसिपी बना देती हूँ। तो ये ना हम आयरन के तवे पर ही फ्राई करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही क्रिस्प अच्छा सा आता है स्किन में। सो हम इनके बीच में होल करते हैं क्योंकि जैसे इन्हें पितरों के श्राद्ध पर भी बनाया जाता है, तो पुराने रीति रिवाज हैं कि इनमें बीच में होल होने चाहिए। सो हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो इसको हम बहुत ही टेस्टी होते हैं ये दही भल्ले, बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो ऐसे ही खा जाती हूँ और इसको दही में डालकर ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसे लस्सी में भी डाल सकते हैं, इसके बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। सो ये दही भल्ले बन के तैयार हो चुके हैं हमारे। सो अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद एक प्लेट लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे दही भल्ले 3 घंटे के लिए रख देंगे उसी में, ताकि अच्छे से सोक कर ले इस पानी को और इनमें नमक हो जाए, अच्छे से स्पंजी भी हो जाएंगे थोड़े से। तो अब ये 3 घंटे बाद हमने निकाल लिए हैं, हमने इसे अच्छे से दही में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे झटपट बनने वाले दही भल्ले एकदम तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मम्मा ने मटर पनीर और मिक्स नट्स भी बनाया था, सो उनको बहुत ही पसंद आई इसकी रेसिपी। और साथ में दही भल्ले, मिक्स वेज और आलू बड़ी और साथ में 3 चपाती 4-5 चपातियाँ और चावल रखिए। ये हमारी लंच की थाली बनकर तैयार है। ऐसी और धमाकेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।